प्रभु की महिमा हो। क्या आप जानते हैं कि आज की दुनिया में कुछ अनोखे तथ्य हैं जो बाइबल से संबंधित हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेब्रोन पीटर्स हूं। मेरे यूट्यूब चैनल क्रिश्चियन क्रॉनिकलर में आपका स्वागत है। मैं मसीही धर्म से संबंधित जानकारी पूर्ण वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो दिलचस्प लगता है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना न भूलें। आइए हमारे जानकारी पूर्ण वीडियो शुरू करें। बाइबल से जुड़े 14 हैरान करने वाले तथ्य। नंबर एक, तू इस बाइबल की चोरी न करना। सबसे प्रसिद्ध बाइबल तथ्यों में से एक यह है कि यह अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। ऐसा अनुमान है कि अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल 25 मिलियन प्रतियां बिकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल दुनिया में सबसे अधिक चुराई जाने वाली पुस्तक भी है या चोरी हो जाती है? जाहिर है, 10 आज्ञाओं की इस आज्ञा को तोड़ता है, तू चोरी न करना को पढ़ने से पहले कुछ पाठक इसे चुरा लेते हैं। संख्या दो, बाइबल ने प्रकाशन उद्योग को स्थापित किया। हालांकि बाइबल शब्द ग्रीक शब्द बिब्लियोस से आया है, जिसका अर्थ है स्क्रॉल, बाइबल वास्तव में जंगम प्रकार हाथ से लिखे जाने के बजाय द्वारा मुद्रित होने वाली पहली पुस्तक थी। जोहान गुटेनबर्ग ने संभवतः 1455 में मेंज जर्मनी में अपनी पहली छपाई पूरी की। लगभग 600 साल बाद गुटेनबर्ग बाइबल की सिर्फ 49 प्रतियां अभी भी अस्तित्व में हैं, और उनमें से आधे से भी कम पूर्ण प्रतियां हैं। एक प्रति वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस के पुस्तकालय में ताला चाबी में बंद है। संख्या तीन, अनुवाद के लिए लोग मर गए। यह एक अज्ञात बाइबल तथ्य है कि बहुत पहले लैटिन के अलावा किसी अन्य भाषा में बाइबल का अनुवाद करने से आपा बेल मुझे मार का नेवता देते थे। जॉन वाइक्लिफ ने आगे बढ़कर 14वीं शताब्दी में इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए यही किया। उनकी मृत्यु के 43 साल बाद रोमन कैथोलिक चर्च ने उनकी कब्र खोदी, उसे जला दिया और राख को नदी में फेंक दिया ताकि उसे उसके पापों के लिए दंडित किया जा सके। एक और प्रारंभिक अनुवादक विलियम टिंडेल 1536 में अपने को इस विधर्म के लिए दांव पर लगा दिया गया। विडंबना यह है कि इन दिनों बाइबल के 58 अंग्रेजी भाषा संस्करण बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। अधिक आश्चर्यजनक तथ्यों पर जाने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। चार नंबर, यह अंग्रेजी भाषा कई सामान्य मुहावरों का स्रोत है। पहली आधिकारिक अंग्रेजी भाषा बाइबल किंग जेम्स संस्करण थी। 1611 में जारी किंग जेम्स बाइबल के प्रभाव और सुंदरता को शायद ही कभी कम करके आंका जा सकता है। जैसा कि दिवंगत निबंधकार और प्रसिद्ध नास्तिक क्रिस्टोफर हिचेंस ने एक बार लिखा था, किंग जेम्स बाइबल के इस्तेमाल करने वालों की वजह से हमारी भाषा की रोजमर्रा की जिंदगी में यह मुहावरों इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। When I was a child, I spoke as a child. Eat, drink, and be merry, Holy Ghost, Jesus Christ, Salt of the Earth, our Father, which art in heaven. नंबर 5, पापी की बाइबल। एक छोटा सा शब्द क्या फर्क कर सकता है? 1631 में एक बार जब अंग्रेजी भाषा की बाइबल को अंततः कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई, प्रकाशक रॉबर्ट बाकर ने 7वीं आज्ञा में एक शब्द की चूक के साथ सबसे उल्लेखनीय संस्करण के साथ सामने आया, तू व्यभिचार करना। इस पापी की बाइबल या व्यभिचारी बाइबल या दुष्ट बाइबल की लगभग 1000 प्रतियां किसी के ध्यान देने से पहले ही वितरित हो गईं। लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि कितने लोगों ने संशोधित आज्ञा का पालन किया। लेकिन 400 साल बाद पापी की बाइबल की केवल 9 प्रतियां बची हैं। संख्या 6, नारी बाइबल। यहां तक कि प्रारंभिक बाइबल में मामूली त्रुटियों से भी संग्रहकर्ता को उत्साहित करते हैं। 1611 की शी बाइबल को लें। आपको लगता होगा कि एक समय यात्रा वाली नारीवादियों ने पकड़ बना ली होगी और उस समय ईश्वर के लिंग को बदल दिया होगा। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि यह दिलचस्प बाइबल तथ्यों में से एक है, यह वास्तव में रूथ की पुस्तक में सिर्फ एक गलत छपाई हुई थी। वह शहर चला गया पढ़ने के बजाय, वह शहर चली गई छप गया। कुछ साल पहले इंग्लैंड के लंकाशायर में सेंट मैरी पैरिश चर्च में शी बाइबल की एक प्रति मिली और इसकी कीमत $65,000 से अधिक थी। संख्या 7, अमेरिकी धार्मिक इतिहास से संबंध। 2013 में सोतबी में $14 मिलियन से अधिक में बिकी बेभजन संहिता दुनिया की सबसे महंगी किताबों में से एक है और यह पूरी बाइबल भी नहीं है। यह 1640 में प्रकाशित मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के प्रमुख प्यूरिटन पादरियों द्वारा स्तोत्र का काव्यात्मक अंग्रेजी अनुवाद है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में छपी पहली पुस्तक है। 47 पृष्ठों, प्रत्येक पृष्ठ की कीमत लगभग $3,00,000 है।
औपनिवेशिक अमेरिका और धार्मिक इतिहास की एक कलाकृति के रूप में यह व्यवहारिक रूप से अमूल्य है। अधिक आश्चर्यजनक तथ्यों पर जाने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। संख्या 8, सबसे नन्ही अच्छी किताब। अब विश्वासियों के पास अपने बाइबल तथ्यों और शास्त्रों को घर पर छोड़ने का कोई बहाना नहीं बचा है। पुराने नियम के सभी 1.2 मिलियन अक्षरों को नैनो बाइबल की सतह पर नैनो मुद्रित किया गया है, जो 5x5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम डिस्क है। लेकिन चून की प्रत्येक असंभव रूप से छोटा अक्षर 600 नैनोमीटर मापता है, इसलिए आपको इसे पढ़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। संख्या 9, दुनिया की सबसे बड़ी बाइबल। बाइबल के इस सबसे बड़ा तथ्य से गोलियत को स्वयं अब तक दर्ज की गई सबसे बड़ी बाइबल को टटोलने में परेशानी हो सकती है। इसे वायनाई बाइबल कहा जाता है और इसे टेक्सास के एबिलिन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में रखा गया है। इस विकराल किंग जेम्स संस्करण का वजन 1000 पाउंड से अधिक है। यह 43.5 इंच लंबा है और पूरी तरह से खुला होने पर 98 इंच चौड़ा है। लुई वायनाई एक स्वनियुक्त पादरी थे। अपने स्वयं के बने रबर स्टैंप प्रेस का उपयोग करके प्रत्येक विशाल पृष्ठ पर पाठ को मुद्रित करने में 2 साल लगे। यह एक बाइबल है जो दिलों को धड़का देती है। संख्या 10, बाइबल किशोरी पत्रिका। बाइबल के सभी उपन्यास संस्करण इतने स्थायी नहीं है। 2006 में मसीही प्रकाशन थॉमस नेल्सन ने युवा लड़कियों के लिए नए नियम को ब्लॉसम बाइबल जीन के रूप में दोबारा तैयार किया। नवीनतम किशोर पत्रिकाओं से पवित्र शास्त्र के द्वारा बुद्धि और बड़ी बहन की महान सलाह से भरे साइडबार, यह आपको कई विषयों पर मार्गदर्शन करता है, जैसे कि स्कूल, दोस्त, माता पिता, सुंदरता, आपके शरीर और साथियों के दबाव। पत्रिका कहती है, ये आसान नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपसे जो कहा है उसका अध्ययन करके आप विश्वास की लड़की बनती हैं। संख्या 11, अब तक की सबसे बड़ी खिलौना कहानी। ब्रिक बाइबल अब तक बनाए गए पवित्र शास्त्र का सबसे अजीब संस्करण हो सकता है। एल्विस पर्लिंग के नाम से जाने जाने वाले एक कलाकार ने लेगो ईंटों से ईमानदारी से बनाए गए बाइबल दृश्यों को एक पुस्तक और वेबसाइट का चित्रण किया है। यह स्वीकार करते हुए कि सभी बाइबल सामग्री पीजी नहीं है, स्पर्लिंग ने बच्चों के लिए एक ईट बाइबल भी प्रदान की है, जो नूह के संदूक और योना और वेल जैसी टैमा कहानियों पर ध्यान केंद्रित किया। यदि आपके बच्चे बाइबल के तथ्यों का विरोध करते हैं तो यह ईंटों से भी बनी है। This one's a king, huh? Let's give him some royal treatment. अधिक आश्चर्यजनक तथ्यों पर जाने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। संख्या 12, बिब्लियोमंसी। भाग्य बताने का सबसे सरल रूप एक प्रश्न पूछने और एक पवित्र पुस्तक को यादृच्छिक रूप से उत्तर देने के लिए खोलने का अभ्यास होता है। इसे ग्रंथ सूची या बिब्लियोमंसी कहा जाता है और स्वाभाविक रूप से इस अभ्यास के लिए अनगिनत बार बाइबल का उपयोग किया गया है। बाइबल तथ्य या ठोस उत्तरों की तुलना में बाइबल मार्गदर्शन के लिए बाइबिलोमेंसी अधिक है, जो कि याद रखने वाली बात है यदि आपकी बाइबल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खुली हो तब किया होगा। संख्या 13, बच्चों के नाम की डिक्शनरी। यदि आपको समकालीन संस्कृति पर बाइबल के निरंतर प्रभाव के बारे में कोई संदेह है तो नामकरण प्रवृत्तियों पर एक नजर डालें। 2019 में लड़कों के लिए शीर्ष 50 बच्चों के नामों में से आधे से अधिक में बाइबल के है, जिसमें जेकब और डैनियल जैसे सदाबहार नाम, नूह और एलियाह जैसी हालिया हिट नाम भी शामिल हैं। बेशक इस लंबी किताब में नाम चुनने के लिए बहुत कुछ है। संख्या 14, अत्यंत खराब बाइबल के नाम। जबकि शास्त्र कुछ उत्कृष्ट उपनाम प्रदान करती है, ऐसे भी नाम हैं जो एक मासूम बच्चे के जीवन पर एक भयानक छाया डाल देते हैं। सबसे अजीब शब्द बाइबल का सबसे लंबा शब्द भी है, भविष्यवक्ता यशायाह का पुत्र महेर-शालाल हश्शबाज, जिसका अर्थ है लुटेरा, जल्दबाजी में खराब करने वाला। प्रतिभाशाली अभिनेता महेर-शालाल अली के माता पिता ने इस बात को चुनौती दी। उनका वास्तविक नाम महेर-शालाल हश्शबाज अली गिलमोर है। अबेदनेगो, हेप्जीबा, नबूकदनेस्सर और निमरोद भी बुरे नाम में आते हैं, लेकिन एक तरीके से हत्यारा नाम कैन सबसे भयानक हो सकता है। आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में बाइबल में अद्भुत तथ्य। परमेश्वर आपको आशीष दे।